दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की। तो वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मुख फिल्मों के दौर से उभरकर निर्देशक आदिशर ईरानी ने 1931 में बॉलीवुड को पहली सहभाग फिल्म देने का श्रेय लिया। भारत की इस पहली बोलती और गाती फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 89 साल पहले 14 मार्च 1931 को। दोस्तों फिल्म का निर्देशन करने के साथ साथ निर्माण भी आदिशर ईरानी ने ही अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इंपीरियल मूवी टोन के द्वारा किया था तथा फिल्म के स्टोरी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया था जोसेफ डेविड और मुंशी जहीर ने। 124 मिनट अवधि की लंबाई वाली इस फिल्म में 7 गाने रखे गए थे और फिल्म के संगीतकार थे फिरोज शाह मिस्त्री और बी ईरानी। दोस्तों फिल्म में दर्शकों को पहली बार बोलते और गाते हुए नजर आए थे पृथ्वीराज कपूर, मास्टर विट्ठल, जुबेदा, जिल्लू, सुशीला, अलीजर, साखू, वजीर मोहम्मद खान, जगदीश शेट्टी और एलवी प्रसाद। दोस्तों बात करें अगर फिल्म के बजट के बारे में तो भारत की यह पहली सहभाग फिल्म बन पाई थी लगभग 40,000 में और फिल्म की कमाई का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब फिल्म को बंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 के दिन रिलीज किया गया था उस दिन फिल्म का पहला शो 3 बजे का था लेकिन दर्शकों की भीड़ वहां 9 बजे ही हद से बाहर जमा होने लगी थी और भीड़ को काबू में करने के लिए वहां पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा था और खबरें तो यहां तक प्रचलित है कि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर लाठियां भी बरसाई थी। तो चलिए अब जानते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में। तथ्य संख्या एक, दोस्तों आलम आरा के बनने से पहले भारत में लगभग 2.5 दशकों तक मूक फिल्मों का दौर रहा। मूक फिल्मों को अंग्रेजी के मूवी शब्द से संबोधित किया जाता था तो वहीं बोलती फिल्मों को टॉकी कहा जाने लगा। दोस्तों भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है जो कि एक मूक फिल्म थी और इसे दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया था। मूक फिल्मों में किरदार सिर्फ चलते फिरते दिखाई देते थे, कोई आवाज नहीं होती थी। दर्शकों को किरदारों की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव के और उनके इशारों से उनके मन के भाव समझने होते थे। दोस्तों आज के समय आप उस मूक सिनेमा के दौर को महसूस करना चाहते हैं तो कोई ऐसी फिल्म टेलीविजन पर लगाकर टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए जिसे आपने पहले नहीं देखा हो और फिर फिल्म के किरदार क्या कहना चाह रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। जरा सोचिए आज के दौर में एक फिल्म में यदि डायलॉग्स बेहतरीन ना हो तो उस फिल्म को अच्छी फिल्म नहीं कहा जाता, जबकि उस दौर में दर्शक मूक फिल्मों में भी अपने मनोरंजन का सामान ढूंढ लेते थे। तथ्य संख्या दो, दोस्तों उन दिनों फिल्मों के लिए पैसा जुटाना इतना आसान नहीं होता था। फिल्मों में वही हाथ आजमाता था जो या तो खानदानी पैसे वाला होता था या फिर कोई जुनूनी व्यक्तित्व वाला, और आदिशर ईरानी में ये दोनों ही गुण मौजूद थे। पैसा ईरानी साहब के पास भरपूर था और जुनूनी तो वे थे ही। दरअसल आदिशर ईरानी को आलम आरा बनाने की प्रेरणा सन 1930 में फिल्म शो बोट को देखने के बाद मिली थी जिसमें लगभग 40% संवाद रखे गए थे। हालांकि आलम आरा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही फिल्म शिरी फरहाद की शूटिंग शुरू हो गई थी, पर आलम आरा के शिरी फरहाद से पहले रिलीज होने के कारण शिरी फरहाद को भारत की पहली सहभाग फिल्म होने का तमगा नहीं मिल पाया। इसका कारण यह हुआ कि उन दिनों बोलती फिल्मों की तकनीकी की पूरी जानकारी किसी भारतीय को नहीं थी, लिहाजा तकनीशियन दोनों फिल्मों के लिए यूरोप से बुलाए गए। अब यूरोप के तकनीशियंस तो फिक्स टाइम से 24 घंटे में सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करते थे और उनकी फीस भी ज्यादा होती थी, तो उनका यह अंदाज आदिशर ईरानी को कुछ पसंद नहीं आया और जल्द ही उन्हें वापस यूरोप के लिए रवाना कर दिया गया। और आलम आरा की शूटिंग का यूरोपीय तकनीशियनों वाला जिम्मा खुद आदिशर ईरानी ने संभाला, लिहाजा फिल्म की शूटिंग 24 घंटे में 2 से 3 शिफ्टों में होने लगी, जबकि शिरी फरहाद की शूटिंग यूरोपीय तकनीशियनों द्वारा सिर्फ एक ही शिफ्ट में की जाती रही और इसके परिणाम स्वरूप शिरी फरहाद आलम आरा से करीब 2.5 महीने देरी से रिलीज हो पाई। तथ्य संख्या तीन, दोस्तों उन दिनों ना ही साउंड प्रूफ स्टूडियोज होते थे और ना ही बैकग्राउंड म्यूजिक का चलन था। बैकग्राउंड म्यूजिक की तकनीकी ना होने के कारण फिल्म के सारे गाने और डायलॉग्स फिल्म के साथ ही जीवंत रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही साउंड प्रूफ स्टूडियोज ना होने की वजह से और दिन के शोर शराबे से बचने के लिए आलम आरा के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग रात में की जाती थी। तथ्य संख्या चार, दोस्तों देश की पहली सहभाग फिल्म के साथ ही फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस की जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी भी मायने रखने लगी, तो पहली बोलती फिल्म के साथ ही कई नए लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगे। संवाद लेखन, संगीत निर्देशन गायक गायिकाओं और साजिंदों के लिए फिल्मी दुनिया में रोजगार की एक नई जगह बन गई। दोस्तों कल्पना कीजिए अगर भारत में सहभाग फिल्में ना होती तो ना ही कोई लता मंगेशकर और किशोर कुमार के नगमे सुन पाता और ना
ही अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी साहब की दमदार आवाज। तथ्य संख्या 5। दोस्तों 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा को पहली सर्वाग फिल्म के साथ साथ पहले मेल और फीमेल सिंगर्स भी मिले थे और ये सिंगर्स और कोई नहीं फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस ही थे। फिल्म में एक फकीर का रोल निभाने वाले एक्टर वजीर मोहम्मद खान, जिनका फिल्म में रोल तो इतना दमदार नहीं था लेकिन उनके द्वारा गाया और उन पर फिल्माया गया गाना जिसके बोल थे दे दे खुदा के नाम पर ताकत है अगर देने की, फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना साबित हुआ। इसके अलावा फिल्म में 6 और गाने थे जिनमें से 5 गाने फिल्म की लीड एक्ट्रेस जुबेदा द्वारा गाए और उन्हीं पर फिल्माए गए थे और जिनके बोल थे बदला दिलवाएगा यार अब तू, भर भर के जाम पिला जा, दे दिल को आराम है साकी, तेरी कटेली निगाहों ने मारा, दरस बिना मोरे तरसे नैना। वही फिल्म का एक गाना जिसके बोल थे रूठा है आसमां गुम हो गया है, मेहताब को एक्टर जिल्लू द्वारा गाया और उन्हीं पर फिल्माया गया था। फिल्म में गानों के साथ साज के रूप में केवल हारमोनियम और तबले का इस्तेमाल किया गया था जो कि शूटिंग के साथ ही बजाए जाते थे और इन्हें बजाने वाले फिल्म के सेट पर खंभों या पेड़ों के पीछे छुपकर बैठे रहते थे। फिल्म में पहली बार ही गानों के जरिए फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया गया और ये फॉर्मूला आगे की कई फिल्मों में और आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तथ्य संख्या 6। दोस्तों फिल्म के नायक की भूमिका में मास्टर विट्ठल थे। हालांकि मास्टर विट्ठल से पहले फिल्म में लीड रोल के लिए महबूब खान को साइन किया गया था पर बाद में निर्देशक आर्देशर ईरानी ने मास्टर विट्ठल को महबूब खान से रिप्लेस कर दिया। वजह यह थी कि आर्देशर ईरानी आलम आरा के लिए ऐसा हीरो चाह रहे थे जिसका फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही नाम हो और मास्टर विट्ठल आलम आरा से पहले कई फिल्मों की एडिटिंग भी कर चुके थे और कई साइलेंट फिल्मों में नजर भी आ चुके थे जबकि महबूब खान उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। हालांकि बाद में आर्देशर ईरानी को जब पता चला कि मास्टर विट्ठल के कई फिल्मों में काम किए जाने के बाद भी वे डायलॉग डिलीवरी में कच्चे हैं क्योंकि अभी तक सारी फिल्में जिनमें मास्टर विट्ठल काम कर चुके हैं वो सारी की सारी फिल्में तो साइलेंट थी। अब मास्टर विट्ठल नाच कूद तो कर सकते थे पर उन्हें बोलना नहीं आता था और आर्देशर ईरानी उन्हें फिल्म से निकाल भी नहीं सकते थे क्योंकि मास्टर विट्ठल ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में काम करने के लिए शारदा स्टूडियो के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था जिसके अनुसार वो सिर्फ उस स्टूडियो की फिल्मों में ही काम कर सकते थे और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर स्टूडियो के मालिकों ने उन पर केस भी कर दिया था जिस केस में मास्टर विट्ठल को जीत दिलाई थी उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आगे चलकर पाकिस्तान के संस्थापक बने थे और इस तरह फिल्म आलम आरा के नायक के रूप में मास्टर विट्ठल नजर आए जिन्हें फिल्म में ना के बराबर डायलॉग्स दिए गए थे जबकि महबूब खान ने आगे चलकर मदर इंडिया जैसी इपिक और कई ऐसी फिल्मों का निर्माण एवं निर्देशन किया था। मदर इंडिया से जुड़े रोचक तथ्यों की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को भी जरूर देखें। तथ्य संख्या 7। दोस्तों महबूब खान की तरह ही फिल्म में फीमेल लीड के लिए भी एक्ट्रेस जुबेदा की जगह एक्ट्रेस रूबी मरियस को साइन किया गया था पर एक्ट्रेस रूबी मरियस ईरानी यहूदी मूल की थी जो कि आलम आरा फिल्म में बोली गई हिंदुस्तानी भाषा जो कि हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप थी उसमें पारंगत नहीं थी जबकि जुबेदा गुजरात के सूरत शहर में जन्मी थी इसलिए उनकी भाषा तो फिल्म के हिसाब से सूटेबल थी ही। साथ ही वो आलम आरा से पहले कई मुख्य फिल्मों में काम कर चुकी थी जो कि बड़ी हिट फिल्में थी तथा आलम आरा के बाद भी जुबेदा ने कई फिल्मों में काम किया। तथ्य संख्या 8। दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों के मन में भी फिल्म आलम आरा को देखने की इच्छा हो तो भी आप इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे क्योंकि भारत की इस ऐतिहासिक फिल्म का आज एक भी प्रिंट मौजूद नहीं है। इसका एक लास्ट प्रिंट भी आज से लगभग 16-17 साल पहले 2003 में पुणे के नेशनल आर्काइव्स में हुए एक हादसे में लगी आग में जल गया था। फिर भी राहत की बात यह है कि फिल्म निर्देशक नानू भाई वकील ने 1956 और 1973 में 2 बार इस फिल्म का रीमेक बनाया है जिनमें से 1956 वाले रीमेक में नजर आए थे एक्टर दिलजीत, निरंजन शर्मा, मारुति और एक्ट्रेस मीनू मुमताज और साथ ही वजीर मोहम्मद खान भी और फिल्म के 1973 वाले रीमेक में नजर आए थे रजनी बाला, बिंदु, एक्टर पी जयराज और एक्ट्रेस नजीमा। अतः आप फिल्म के ये दोनों रीमेक देख सकते हैं। वहीं फिल्म के 1956 में बने रीमेक में फकीर के रोल में नजर आए वजीर मोहम्मद खान वही वजीर मोहम्मद खान हैं जिन्होंने मूल फिल्म आलम आरा में भी फकीर बनकर बॉलीवुड का पहला गाना गाया था और बॉलीवुड के पहले सिंगर कहलाए।
तो दोस्तों ये थी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा पर हमारी पेशकश। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस फिल्म और इस पर बनाए गए हमारे इस वीडियो तथा हमारे चैनल के बारे में आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का ऑप्शन दबाएँ।